हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान की सबसे फेवरेट मिठाई जलेबी है, और अगर गरम गरम जलेबी असली घी में बनाई जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और है। तो आइए आज गर्मा गर्म जलेबी बनाते हैं, वो भी असली घी में। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाशनी बनाने के लिए हम एक कप भरकर पानी लेंगे, यानी कि 250 ml। उसमें हम 1.5 कप यानी कि 300 ग्राम शक्कर डाल देंगे, एक चुटकी केसर, ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना डालें, 1/2 teaspoon नींबू का रस, बस 1/2 teaspoon डालेंगे हम ताकि चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए, जम ना जाए ठंडी होने के बाद। तकरीबन 1 teaspoon रोज़ वाटर डाल देंगे, गुलाब जल। हम इसमें एक चुटकी इलायची पाउडर भी डालेंगे। ये इलायची पाउडर हमने घर पर बनाया है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे ज़रूर बनाएं। फ्लेम को हाई करके हम पहले चाशनी को पिघलने देंगे। हमें इसमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। हम आपको बताएंगे एक तार की चाशनी किस तरह बनाते हैं। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, हमने फ्लेम को बिल्कुल लो किया है। हम लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे 10 से 12 मिनट तक। तब तक हमें एक तार की चाशनी मिल जाएगी। जब तक चाशनी तैयार होती है हम आगे के प्रोसीजर्स पे जाते हैं। एक बोल में हम 1 कप भरकर मैदा लेंगे। हमने भरकर 1 कप लिया है यानी 125 ग्राम। हम उसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे, इससे हमारी जलेबी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसमें 1 teaspoon भरकर बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/4 teaspoon यानी 1/4 चम्मच यूज़ करें। 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 कप दही। हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक बैटर तैयार करने वाले हैं। ये 1/2 कप पानी ऐड कर रहे हैं हम कितना पानी ऐड करेंगे ये आपको बताएंगे, और किस तरह से आपको इसका थिक बैटर बनाना है वो भी बताएंगे। हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर रहे हैं। हमें इसे एक डायरेक्शन में इसी तरह से बीट करना है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरह से एक डायरेक्शन में बीट करने से इसमें हवा इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और जलेबियाँ अच्छी बनेगी। हमने इसमें टोटल 1 कप भरकर पानी ऐड किया है यानी कि 250 ml। आप देख सकते हैं इसकी किस तरह से हमने थिकनेस बनाई है। ये नीचे आराम से गिर भी रहा है और ये काफ़ी गाढ़ा भी है। बस इसी तरह हमें कंसिस्टेंसी बनानी है, इससे ना पतला होना चाहिए और ना ही मोटा। हम इसे बीट करेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट एक ही डायरेक्शन में। अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया है। हम इसमें 1 चुटकी केसरी कलर डाल देंगे। आप चाहें तो बिना कलर के भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। हम जलेबियों को इस तरह की बॉटल्स में भरकर फ्राई करेंगे, इससे इसे फ्राई करना आसान हो जाता है। आप चाहें तो इस तरह की केचप की रेड बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट्स में आसानी से मिल जाती है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर चाशनी को पकते। चाशनी अच्छी तरह से थिक हो गई है, हम अभी से चेक करेंगे। इस तरह से चम्मच में लेकर थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली और अंगूठे के बीच में डालकर चेक करेंगे। इस तरह से हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जलेबियों को फ्राई करने के लिए हमें इस तरह से फ्लैट पैन लेना है, हमें ज़्यादा डीप पैन यूज़ नहीं करना है, इस तरह से फ्लैट पैन यूज़ करना है। घी को हमने ज़्यादा भरना नहीं है पैन में, बस 1/2 inch जितना घी भरना है पैन में वो 1/2 inch तक आना चाहिए। और ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम घी को, हम घी को पहले गर्म करेंगे उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे। अब हम जलेबी इसमें डालेंगे।
इस तरह से 2 से 3 बार आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ही परफेक्ट जलेबी बना पाएंगे। जब हमें लगे 1 से 2 मिनट बाद कि ये अच्छी तरह क्रिस्प हो गई है, हम इन्हें पलटाएंगे। हम इन्हें बस 1 मिनट और पकने देंगे लो फ्लेम पर, फिर हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। हमें ध्यान रखना है कि चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो फ्लेम को ऑन करके इसे थोड़ी सी गर्म कर लें, बाद में जलेबियों को उनमें डुबोएं। बहुत ही अच्छी और क्रिस्प बनकर तैयार हुई है जलेबी। हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से हम इन्हें चाशनी में डुबाएंगे और हल्के हल्के इन्हें इस तरह से प्रेस भी करेंगे ताकि अच्छी तरह चाशनी इनमें चली जाए। इस तरह से हम इसे चाशनी में बस 30 से 40 सेकेंड रखेंगे, 30 to 40 seconds। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट पर। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।